एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 22 और 22A इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे नोट्स एंड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये दोनों सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। देखो हम एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 से डील कर रहे हैं जो बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने एडमिशन के कंसेप्ट को समझा, हमने एडमिशन के बेसिक मीनिंग को डिटेल में समझा था नोट्स इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज के थ्रू। तो अगर आप एडमिशन के बेसिक कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा उसे हम एक बार रिकॉल करते हैं। हमने सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20 और 21 इन पांचों सेक्शंस को देखा। हमने ये जाना कि सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है, राइट, और सेक्शन 18, 19, 20 इन तीनों सेक्शंस में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि हु कैन मेक एडमिशन, ठीक है, किन पर्सन्स के स्टेटमेंट को हम एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट मानेंगे सेक्शन 18, 19, 20। और इन्हीं सेक्शंस में ये भी कहा गया है कि इन पर्सन्स का स्टेटमेंट इन सर्कमस्टांसेस में रेलेवेंट माना जाएगा। अच्छा, सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 में हमने एडमिशन के जनरल रूल को देखा और हमने ये समझा कि एडमिशन कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। लेकिन सेक्शन 17 में कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जहां एक पर्सन का स्टेटमेंट उसके बिहाफ में होते हुए भी एडमिसिबल होगा। तो सेक्शन 21 को हमने डिटेल में समझा था, ठीक है, आज हम सेक्शन 22 और सेक्शन 22A इन दोनों सेक्शंस को समझेंगे और फिर आपका सेक्शन 23 बचता है, उस सेक्शन को कवर करने के बाद हम सेक्शन 31 को कवर करेंगे। एडमिशंस के सेक्शंस कौन कौन से हैं? देखो सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 तक के जो सेक्शंस हैं इनके जो प्रोविजंस हैं वो एडमिशन से डील करते हैं और एक और सेक्शन है हमारा विच इज सेक्शन 31, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सेक्शन 17 से लेकर के 23 एंड सेक्शन 31 डील्स विथ प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिशन और सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 30 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कन्फेशन से, जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, ठीक है, राइट। तो सेक्शन 22 और 22A, देखो सेक्शन 22 क्या कहता है? व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट, कब हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ओरल एडमिशंस के थ्रू प्रूफ करेंगे। देखो जो हमारा जनरल रूल है एविडेंस एक्ट का वो ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स को केवल और केवल प्राइमरी एविडेंसेस से ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 22 उन कंडीशंस के बारे में बात करता है, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करता है जब हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरल एडमिशंस यानी सेकेंडरी एविडेंसेस से
प्रूव कर सकते हैं। जब हमने एविडेंस एक्ट के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा था तो उन्हीं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये भी था कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को ही प्रोड्यूस करें बिफोर द कोर्ट। अगर हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल है तो हम प्राइमरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें, इन केस हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस नहीं है तो हम सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई टेकिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 22 बेसिकली यही कहता है कि कब हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंसेस से प्रूफ करेंगे। तो आइए सेक्शन 22 को हम समझते हैं। सेक्शन 22 ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होगा? देखो, जनरली ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट नहीं होगा। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रेलेवेंट। आगे कहता है अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम, जब तक कि जो पार्टी है जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहती है, पार्टी प्रपोजेज टू प्रूव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंसेस इन दिस रिगार्ड। वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्ड में सेकेंडरी एविडेंसेस देने के लिए एंटाइटल्ड हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 65। सेक्शन 65 बेसिकली उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करता है जब हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हो कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रेलेवेंट अनलेस एंड अनटिल The party proposing to prove shows that, वो पार्टी जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना चाहती है अगर वो ये शो कर देती है कि वो एंटाइटल्ड है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करने के लिए अंडर सेक्शन 65। और दूसरा अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है उसके जेन्युइननेस को लेकर के क्वेश्चन है। तो ये दो कंडीशंस हैं वेयर अ पार्टी कैन गिव सेकेंडरी एविडेंसेस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट द जनरल रूल इज दैट कि सेकेंडरी एविडेंसेस और oral admission as to content of documents not relevant। ठीक है, अब example के लिए आपको ऐसा लगता है कि जो document है वो fake है, right? There is question regarding authenticity of document, या जो signature है वो forged है, तो इन cases में आप secondary evidences को produce कर सकते हैं, but you have to fulfill these two conditions। आप ये शो करो कि आप एंटाइटल्ड हो इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को सेकेंडरी एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करने के लिए, और दूसरा जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को लेकर के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो दीज आर टू कंडीशंस। बेसिकली हमारा जो सेक्शन 22 है वो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है, विच मीन्स अगर हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल हैं
तो हम सबसे पहले ये प्रायोरिटी देंगे कि हम प्राइमरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें। जब तक अदर एविडेंसेस अलाउ नहीं किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तब तक हम प्राइमरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। एंड दिस इज जनरल प्रिंसिपल कि डॉक्यूमेंट शुड बी प्रूव्ड बाय हेल्प ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंसेस को सेक्शन 65 में मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस के तहत हम दे सकते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। राइट, तो यानी सेक्शन 22 को हम रीड करेंगे रीड विथ सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट। राइट, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आपके बेरेक में दिया है, लिख लो। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रेलेवेंट। Unless पॉइंट्स में लिखना, unless and until पार्टी proposing to prove, party proposing to prove shows that pehla he is entitled to give secondary evidences in this regard subject to the provisions mentioned under section 65। दूसरा, unless the genuineness of document produced is in question, unless the genuineness of document produced is in question। आइए अब हम सेक्शन 65 को ऐसे ही समझ लेते हैं। आगे जब हम सेक्शन 65 को कवर करेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। चलिए हम सेक्शन 65 में मेंशन्ड उन सर्कमस्टांसेस को समझ लेते हैं वेयर वी कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंसेस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। राइट, तो सेक्शन 65 कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंसेस फॉर डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। तो सेक्शन 65 कहता है कि सेकेंडरी एविडेंसेस फॉर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी गिवन एज रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। राइट, तो एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्ड में हम सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन 7 सिचुएशंस में। पहला, वेयर द ओरिजिनल इज सोन और अपीयर्स टू बी इन पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम डॉक्यूमेंट इज शॉट टू बी प्रोड्यूस्ड
तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उस पर्सन के पास है जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना चाहते हो, तो ओरिजिनल उसके पास है। तो आप, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी एविडेंसेस है, कोई कॉपी है, तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द कोर्ट, राइट। ओरिजिनल इज इन पोजीशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड, पहला कंडीशन है। दूसरा, एनी पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट, एक ऐसा पर्सन है जो कोर्ट के रीच के बाहर है या जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं सकता है, जैसे कोई डेड पर्सन है, कोई लॉस्ट पर्सन है, अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, या एनिमी कंट्री में रहने वाला कोई पर्सन है, राइट। तो ये दूसरा कंडीशन। तीसरा, एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, कोई पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए लीगली बाउंड है और सेक्शन 66 के तहत उसे नोटिस सर्व कर दिया गया है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ वन इज व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अब जिस पर्सन के अगेंस्ट हम कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना चाहते हैं, उस पर्सन ने राइटिंग में कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके एग्जिस्टेंस और उसके कंडीशन को राइटिंग में एडमिट कर लिया है, तो हम सेकेंडरी एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड हो गया है या लॉस्ट हो गया है, ओरिजिनल नॉट टू बी इजिली मूवेबल, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हैवी है, बल्कि है, वॉल्यूमिनस है, आप आसानी से उसे यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो अगर उसका कोई कॉपी है जो इन ब्रीफ उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को शो करता है, तो आप उस कॉपी को यानी उस सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द कोर्ट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट था, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप हर जगह नहीं ले जा सकते हो, तो अगर कोई सेकेंडरी एविडेंसेस है तो आप दे सकते हो। ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसका सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड था इस एक्ट के द्वारा या किसी अदर लॉ के द्वारा, तो अगर सर्टिफाइड कॉपी ही परमिटेड है तो यू कैन प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, राइट। और लास्ट कहता है, ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कई सारे सब डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूमरस अकाउंट्स हैं, तो आप जिसे प्रूफ करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कंटेंट के जिस पार्ट को आप प्रूफ करना चाहते हो उसके रिगार्ड में अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट है, कोई कॉपी है, तो आप उसे शो कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द सिचुएशंस, दीज आर द कंडीशंस विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट, वेयर यू कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस इन रिगार्ड्स टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो बेयर एक्ट देखोगे तो ये सभी कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में नोट्स बनवा देता हूँ, सेक्शन 65 के कंडीशंस को हम आइए शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं, राइट।
सेक्शन 65 केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंसेस केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंसेस फॉर डॉक्यूमेंट मे बी गिवन may be given पहला original is in possession of a person against whom document is sought to be proved. Dusra, any person out of reach, not subject to process of the court third one any person legally bound to produce it and when after notice mentioned in section 66 such person does not produce it उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है नोटिस सर्व होने के बाद भी पर्सन अगेंस्ट होम डॉक्यूमेंट इज शॉट टू बी प्रूव हैव एडमिटेड इट्स कॉन्टेंट इट्स एग्जिस्टेंस इट्स कंडीशन इन राइटिंग तो ये फोर्थ कंडीशन एक मिनट Person against whom document is sought to be proved admitted its existence condition content in writing फिर क्या है original was a public document under section 74 original was a document of which certified copy is permitted by this act or under any other law original consists of numerous accounts right so these are the conditions where you can adduce secondary evidences as to the content of documents right चलिए पांचवा ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट छठवा ओरिजिनल नॉट टू बी इजिली मूवेबल ओरिजिनल नॉट टू बी इजिली मूवेबल
ओरिजिनल वॉज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट Original was a document of which certified copies allowed. Or last, Original consists of numerous accounts. Right. तो ये है आपका सेक्शन 22. अब सेक्शन 22A एक शॉर्ट सेक्शन है, इसे हम ऐसे ही समझ लेते हैं. ठीक है, देखो सेक्शन 22A कहता है ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट में कब ओरल एडमिशंस रेलेवेंट होंगे. तो ये सिंपल वे में कहता है कि ओरल एडमिशन, सेक्शन 22A स्टेट्स दैट ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं होते हैं अनलेस जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन. जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनके जेन्युइननेस को लेकर के क्वेश्चन है. इफ देयर इज क्वेश्चन रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स देन वी कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंसेस विच इज ओरल एडमिशंस बिकम रेलेवेंट, देन तब ओरल एडमिशन रेलेवेंट हो जाता है. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन. जनरली ये प्रिजम्पशन होता है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या है, जेन्युइन है. लेकिन जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के क्वेश्चन होगा तो वहां पे अदर एविडेंसेस आर लाइकली टू बी गिवन, हम अदर एविडेंसेस दे सकते हैं. तो हमारा ये जनरल प्रिजम्पशंस हैं कि जो कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं. लेकिन इफ देयर इज क्वेश्चन रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तब हम अदर एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन सच अ केस एन ओरल स्टेटमेंट मे बी टेकन एज एन एविडेंस, तब हम ओरल स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं. राइट, तो ये था आपका सेक्शन 22 और 22A. अब हम सेक्शन 23 को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और उसके बाद हम सेक्शन 31 को समझेंगे एंड देन हम कन्फेशन पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, तो देखो अगर आपको मेरे वीडियोस, ये एफर्ट्स, एक एक सेक्शन को इतना डिटेल में शायद ही आपको कोई समझाए. राइट, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस वाकई में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बट इसको लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.